कृषि दर्शन के देखैया जम्मो संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, कैसे हो आप मन? हाँ, बने बने हब भाई। कहे जाते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। संगवारी हो, रोजगार की कमी नहीं है, देखैया मन के कमी हवे। अब आप मन देखो कि हमारे ये बेरोजगार भाई मन हाँ सुग्घर अपन गांव में ही निस्तारी तरिया में सुग्घर मछली पालन के बूतला करत है। अब वह समूह बना के तैयम मन कैसन ढंग के काम करत है और कैसन ढंग के कर मन के रोजगार चलत है संगवारी हो, यही विषय में आज जानबो कि निस्तारी तरिया में समूह बना के मछली पालन कैसे करे जाए। लेकिन ओकर से पहली आप मन बढ़े कुछ खास। पैरे का उपयोग हम कैसे करें? एक तो पहला तो ये कि पैरा हमारा जो गौवंश है, जानवर है, उनको खिलाने के लिए उपयोग करते हैं। हम आजकल किसान तो हैं लेकिन घर पे गाय बैल भैंस के लिए हार्वेस्टर से काट रहे हो तो पैरा को वहीं जला रहे हो, उनको छोड़ दे रहे हैं भगवान भरोसे। और ट्रैक्टर से जुताई किए, ट्रैक्टर से ढुलाई किए, सब काम यंत्र से चल रहा है और हम गाय बैल भैंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जब तक किसान के यहाँ गोबर नहीं होगा, गाय नहीं होगी, तो खेती हमारा धीरे धीरे नुकसान में जाएगा। तो पहला निवेदन तो ये है कि हम किसान हैं, अपने घर पे गाय बैल अनिवार्य रूप से रखें और पैरे का जितना उनको भोजन के लिए आवश्यक है वो इकट्ठा करके उनको खिलाएं। तो वही संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हम गोट बात करबो, चर्चा करबो कि कैसन ढंग के आप मन हाँ निस्तारी तरिया में समूह बना के मछली पालन के सुघर बूताला कर सकत हो और बढ़िया रोजगार बना सकत हो। और यही विषय में चर्चा करे बार आज हमार संग महाभय भगवती गृतलहरे जी, जैन हाँ समूह के संचालन ल करत हबय। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है भगवती जी। और जिसे हमार संगवारी मन हा आप मन ला टीवी के माध्यम से देखत है और आप मन से प्रेरणा लेवत है कि कैसन ढंग के आप मन हा ये मछली के काम ला सोचे हो और सुघर कैसन ढंग के समूह बनाए हो, एक बारे में विस्तार से बताहू, कहाँ ले प्रेरणा पाए हो? एक मछली पालक मन के मछली मन ला मार्केट तक पहुँचाए के काम करते रहे। मोर पास पहली गाड़ी रही, बहुत अच्छा ओला देखे, फिर मैं अपन मन में सोचे कि मछली में आमदनी ठीक, फिर मैं व्यक्तिगत तौर से ठेका लेके मछली के पालन करत रहे। फिर प्राइवेट ठेका में तकलीफ होए, ज़्यादा महंगा पड़ा, फिर मैं गांव के कुछ मोर संगवारी में ला बोले कि समूह बना ले थन, पंजीयन करा ले थन, सोसाइटी बना ले थन। फिर अपन सोसाइटी बनाएन, सोसाइटी बनाए के बाद में समूह में मछली पालन करे थन, शासन की योजना के हिसाब से ही पंचायत में आवेदन करें। आवेदन करे के बाद में अपन लीज में तालाब मल्ल लेन, ले के बाद आज लगभग, खैर मैं तो प्राइवेट खेती 30 वर्ष से करत हूँ लेकिन समूह में आज 15 साल से यानी समूह के बीच में खेती करत हन। और जैसन भी शासन के निर्देशन अनुसार काम करत हन, मछली के उत्पादन करत हन, शासन से जो भी है समय में दाना बीज नाव जाल भी मिले रही, आज अच्छा भला खेती करके ये तो मछली उत्पादन करते हैं। और साथ में भी शासन से जो झींगा उंगा भी मिलत रही से झींगा पालन भी करते रहे, आजकल झींगा नहीं मिलत है तो रोहू कतला मिर्कल के खेती करते हैं। अच्छा, तो अच्छा उत्पादन भी हो जाते जे मापन समूह के सुगर काम चला थे। बहुत बढ़िया, बहुत सुगर बात करे हो संगवारी हो। आप मन देखो कि कैसन ढंग के ये समूह के निर्माण हा हो से, तो आप मन भी अपन अपन क्षेत्र में ऐसे ही सुगर समूह के निर्माण करके एक बढ़िया रोजगार के बुतला बना सका तो संगवारी हो। और जिन बेरोजगार हमारे संगवारी साथी मन हवे तेन मतलब बढ़िया घर बैठे गाँव के गाँव में ही रोजगार मिल जाए। अब हम जानबो कि कैसन ढंग के वह मछली पालन पर का उद्यम ल करते ताकि ओकर मछली हा बढ़िया सुगर ढंग के निकलते और कैसन कैसन ओकर और उदिम हबे एला जानबो। तो सबले पहले भैया
सबले पहले भैया हम यही जानबो कि आप मन जब मछली एमा डालथो बीज कतका बड़ी थे और कतका कन आप मन है बीज ला डालथो ओकर का हमला ध्यान रखेला पड़थे। शासन के जहाँ भी बीज निकालते जैसे अपन पलौद है, साकरा है और अपना ये कुरुद है, वहाँ जहाँ से इस्पान पैदा कराते हैं वहाँ से अपना इस्पान लाके पहले नर्सरी के देख रेख, पहले वहाँ चूना डालते हैं, खोआ खल्ली डालते हैं, उसमें का कीड़ा कचरा सब साफ करने के बाद उसमें इस्पान लाके डालते हैं, फिर उनको सरसों तेल अंडा सब मिला के उसको कम से कम 21 दिन खाना देते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा साइज हो जाता है फिर उसमें जाली चलवाते हैं, जाली चलवाने के बाद में फिर उंगली का साइज हो जाता है, फिर उसको हम सेकंड नर्सरी में ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ 50 ग्राम साइज का होता है, उसके बाद में हम तालाब में ट्रांसफ़र करते हैं। भैया आप बहुत सुघर बात ला बताया हो, फिर हम संगवारी मल्ला यही बताना चाहबो कि जैसे हम बीज ला डालथन वो समय में आप बताया हो कि कुछ सरसों या अंडा के, तो बीज ला पालन करे बर वो नन्हा छोटे छोटे बीज रही थे वो मतलब कैसे ढंग के का खिला था वो मतलब और का कर मतलब नियम है बे कि कतका कन ला डालना है, कतका कन में कतका कन डालना है ये ला बता दें। वो अपन नर्सरी पहले तैयार करते हैं तो नर्सरी सूखा तालाब को पहले जुताई करते हैं जी, जुताई करने के बाद उसमें चूना डालते हैं। अच्छा, बारिश होता है, बारिश का पानी आ जाता है तो उसमें अपन कुआ खल्ली डालते हैं, महुआ खल्ली। अच्छा। तो महुआ खल्ली डालने से क्या है उसमें जो कीड़ा रहता है वो मर जाता है, है। छोटा वाले इस्पान जो 72 घंटा का होता है अंडा से निकले 72 घंटा उसको अपन गैस पैकिंग करा के लाते हैं। अच्छा। उसको लाने के बाद में डाल देते हैं उसके 24 घंटा के अंदर सरसों का तेल में अंडा मिला के उसको अच्छा घोलते हैं, घोलने के बाद उसको तालाब में डालते हैं, ऐसा छिड़कते हैं। कुछ दिन के बाद में फिर सरसों खल्ली को डुबाते हैं। अच्छा। सरसों खल्ली के साथ में फिर अंडा मिलाते हैं। अच्छा। फिर उसको हिला हिला के जगह जगह ऐसे उसको यानी तरल पदार्थ के रूप में खिलाते हैं। अच्छा। जब वो 21-22 दिन का हो जाता है तो फिर अंडा बंद करके फिर उसको सरसों खल्ली को भिगा के खिलाते रहते हैं। सुगर बात ला बताया हो और यही है विशेष रूप से ध्यान दे के बात अरे संगवारी हो कि जब आप मन है अपन मछली पालन करूँ तो बीज में महत्वपूर्ण रूप से आप मन ध्यान दे ले रही, जैसे हमर भाई साहब बताए कि 21 दिन ले हम ओकर सेवा ला करथन तब कहीं जाके वह उंगल साइज में होते। अब बात करें हम उंगल साइज में होए के बाद में हम ओला तरिया में ढील देथन तब नहीं सर उसको भी हम खाना खिलाते रहते हैं। अच्छा, वो कम से कम 50 ग्राम नर्सरी के हाँ उसको सेकंड नर्सरी में ले जाके उसको खाना खिलाते हैं वही जैसा हो सके पूरा सरसों खल्ली हो या उनका फीड आता है उसको खिला के बड़ा करते हैं। जब 50 ग्राम 100 ग्राम साइज का होता है फिर हम तालाब में ले जाते हैं। मतलब 50 ग्राम 100 ग्राम साइज के होए के बाद में आप उलट तालाब में डालता हो, जब तालाब में अपन वो चीज डालथन तो ओकर बर हम कितना मात्रा में कितना कन एक तालाब में डालना चाहिए बीज ला है ना, जिन हम छोटे मछली डाला था ना अब तालाब में आ गए मछली है, कितना कन बीज होना चाहिए, कितना कन मछली डालना चाहिए, उमा से कितना कन का उत्पादन हो जाते? अब वो मात्रा के अनुसार रहता है सर, यानी हाँ तालाब के जल क्षेत्र है, जल क्षेत्र में यानी 3 हिस्सा में हमको मछली डालना पड़ता है। अच्छा। ऊपर वाले मछली कतला, बीच में रोहू चलता है, नीचे में वो मिरकल और कामन कार्प, तो तीनों स्तर का मछली डालना पड़ता है। अब वो नीचे वाले को ज़्यादा डालते हैं, रोहा मिरकल कामन कार्प है, उससे कुछ कम रोहू को डालते हैं और उससे और कम यानी आधा हिस्सा में जी। जो ऊपर में रहता है कतला मछली उसको डालते हैं, तो नीचे वाला अपना चारा खुदाई करता है, वो अपना खुदाई करने के बाद ऊपर आता है चारा उसको सेकंड वाले लेते हैं रोहू, उसके बाद में और बच जाते हैं उसको ऊपर वाले लेते हैं। अच्छा, ऊपर से जो मल्ट छोड़ता है। अच्छा। तो नीचे में जो कामन कार्प बोल रहे हैं वो अपना सेवन करते हैं।
अरे वाह, ये तो बहुत सुग्घर बात ला बताया हो कि एक ही तालाब में हम तीन प्रकार के मछली ला पाला थन संगवारी हो, और मछली मन के भी ऐसा प्रकार है कि वो अलग अलग स्तर पर रही थे। तालाब एक हरे लेकिन अलग अलग स्तर में रहे के कारण हम तीन प्रकार के मछली ला पाल सका था। बहुत सुग्घर बात ला बताया हो। अब हम बात करबो कि एमा हमन का खिला थन, रोज के कतना घंटा में हमला कतना कन चारा डालना है, और चारा के रूप में अपन का डालता हो? अब चारा के रूप में सर वो अपन सरसों खल्ली उसको खिलाते हैं। जी। जैसा अपना खिलाएंगे वैसा ही बढ़ेगा। नहीं, ठीक बात है, लेकिन समय जिसे तो लागत के अनुसार, यानी जितना लागत लगाएंगे जितना खिलाएंगे उतने हमको बेनिफिट मिलेगा। ये बहुत सुग्घर बात ला बताया भैया, लेकिन मोर पूछे के मतलब रही से कि हमारे किसान भाई मन आप मतलब देखा थे और सुग्घर ढंग ले आप मतलब देख कर कि वो मन भी अपन काम ला शुरू करी, तो जिसे तालाब हवे हम 12 घंटा में 24 घंटा में के बार दाना ला डालथन? ऐसे दो बार। एक सुबह में बिल्कुल, ये तो मछली ऐसा है सर, दाना खिलाओगे उनका टाइमिंग रहेगा, 7 बजे डालोगे आओगे 7 बजे, वो जैसे अपने बच्चे को बुलाते हैं इस टाइप का आ जाता है, शाम को 4-5 बजे उस समय भी मछली आ जाएगा, वो अपना खाना खाने के समय में वहाँ पर पहुँच जाएगा। यानी कि वो मन अपन टाइम ला पहचान थे कि कत कबेर हमारा खाना मिलते। जी, बिल्कुल सही बात है संगवारी हो। ये सुग्घर बात है कि आप मन है ये बात के विशेष रूप से ध्यान रखो कि आप मन है दो टाइम मछली ला विशेष रूप से चारा दो, ये दो टाइम ही चारा दे के वो मन के भी आदत बन जाए। अगर टाइम बे टाइम देबो तो ओकर से हमारा कई प्रकार का नुकसान भी हो सकते है। अब हम बात करते हैं भैया कि जैसे हम मछली पालन करें हैं और पानी के स्थिति है अगर कमजोर है या मटावत है, हटावत है पानी है, या ऐसा कौन कौन से प्रकार के बीमारी लग सकते तो ओकर पर हम मना का उदिम लग करते हैं मछली तो बीमारी लगत हुई मछली में? तो शुरुआती ठंड के मौसम में वो लाल धब्बा चकता, अच्छा वो बीमारी लगते, तो उस समय में अपन पोटास चूना, वो बड़ा वाले चूना को भिगा करके अपना ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद में उसमें पोटाश डाल के घोल बना के यानी चार तरफ डालना होता है। एकर से बीमारी कंट्रोल? हाँ, वो लाल धब्बा चकता वाला बीमारी वो खत्म हो जाते, और फिर में ये गर्मी मौसम में ऑक्सीजन के कमी होते तो वो समय मछली ऊपर आना चालू हो जाते, तो वो समय में यानी तो फिर वो साधन के अनुसार जैसे बोर के पानी डालो या एरेटर चलाओ या ऑक्सीजन लाना है तो फिर इधर उधर पानी को हिलाओ, ऐसा है। हाँ जी जी, बहुत सुघर बात ला बताया हो, बहुत सुघर चर्चा चला था संगवारी हो। लेकिन बेरा हो गए है एक ठन सुघर संदेश के, तो संदेश के बाद आप मन के स्वागत करबो कार्यक्रम में। आप मन देखाओ ये संदेश ला। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें, छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें, हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं, दवा के डिब्बे छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की, या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो
और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है संगवारी हो। जैसे कि हमारे गुड बात चलत रही से, चर्चा चलत रही से कि हमन हा निस्तारी तरिया में सुघर समूह बना करके मछली पालन के बूता ला कैसे ढंग के कर सकन, ये विषय में। और यही विषय में हमारे संचालक महोदय जिन यहाँ के संचालक है, अध्यक्ष है, से हम बातचीत करते रहन। भैया, हम जिसे हम बातचीत जारी रखबो आगे बढ़तन बातचीत में। तो जब हमारे जो मछली के स्तर हबे वह कितना साइज के होए के बाद में हम ओला बाजार में बेचन, जो पहली हमला काका उदी मुकरबर करे लगते? ये तो समय में 1-1.5 महीना में बार बार जाल चलाए पड़ते। अच्छा, देखे लगते। हाँ, जाल चलाना एकर सती जरूरी हो जाते कि यानी उकर डाइजेशन ठीक रहे, जतका जाल चलाबो तो उकर से उकर यानी शरीर में सुधार रही, बीमारी लगे के संभावना नहीं रहे। हलचल, हाँ हलचल देना जरूरी थे जी। और 3-4 महीना में वो बराबर 1-1.5 किलो, 1.5 किलो साइज हो जाते। आ जाते तो अपन 3-4 महीना के बाद यानी 5वां-6वां महीना में मार्केट ले जाना चालू कर देते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा में अब मार्केट ले जाए के जब बेरा होते वो समय जिसे हम बात करें कि मछली निकालना है, निकाले के ऐसा कौन से विधि होना चाहिए ताकि मछली सेफ और अच्छा तरीका से बाजार में पहुँचे और लगभग जिंदा हालत में पहुँचे, एक बार आप मन का व्यवस्था ला करता हूँ? तो जिंदा ले जाए पर मछली पकड़ के तो पहले अपन एक थैला नुमा जाल रहते हो रखे रहते, ओकर बाद में फिर तुरंत गाड़ी में अपन हाँ हाँ। लोड करवा के मार्केट तक जतका जल्दी पहुँचे खुला ले जाते जी जी। या बर्फ के भी यूज करते, बर्फ भी डाल देते तो बोला तकलीफ नहीं हुए, पानी मिलत रहते, बर्फ के पानी मिलत रहते तो मार्केट तक के आराम से पहुँच जाते। अब हम आखिरी में एक बात और जानना चाहबो कि आप मन हा कतेक जन के समूह हबो और जेन बेनिफिट मिलते मछली पालन से कितना कन हो जाते, लागत कितना आईस और हम कितना कमाएं और कितना व्यक्ति में हम बांटें तो हमर गुजारा चलत हबे? मोर समूह में 23 जन है और 23 में बढ़िया अपन प्रेम संबंध है चलत हबे और जोन भी आमदनी होते तो मोर तो रजिस्टर्ड सोसाइटी यानी रजिस्टर्ड सोसाइटी होए के नाम लेके तो मुला हर रिकॉर्ड
मेंटेनेंस करके रखना है। जोन भी बंटवारा होते वो मालिक खाते या जहाँ भी खर्च होते सब रजिस्टर में एंट्री होते, साल में ऑडिट भी कराते हूँ। वो अभी समूह मतलब जो भी मिलते हैं अभी भी संतुष्ट हैं। ये बहुत बड़े बात है भैया कि हम अपन जिन काम करते हैं तेकर से संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी मल्ल दे हव एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो जैसे कि आपन देखो कि हमारे घृतलहरे भैया है अपन क्षेत्र में सुघर समूह बना करके निस्तारी तरिया गांव के ही तरिया में समूह बना करके मछली पालन के बूता ल करत रही से और वो मन है प्रत्येक व्यक्ति जन ओकर 22-23 व्यक्ति हावे तेन मन है अपन काम ले संतुष्ट हावे। तो संगवारी हो एक बहुत अच्छा रोजगार के ये अवसर होते एकर संगे संग यही मछली पालन ना बढ़ावा दे बर हमारे भारत सरकार है विभिन्न प्रकार के योजना घलो निकाले रही थे। ये योजना मन के लाभ ला आप मन उठाओ अपन अपन क्षेत्र में सुघर बेरोजगारी ला दूर करो और रोजगार के एक अच्छा अवसर है मछली पालन के बूता। संगवारी हो अपने ही गाँव में अपन अपने ही तालाब में सुघर मछली पालन के बूता ला कर सकत हो। तो संगवारी हो बेरा हो गया एक सुघर गीत संगीत सुने के, तो संगीत संगीत के बाद कार्यक्रम में आपन के स्वागत करबो। आप मन देखाओ ये गीत ला नैना कटारी है ये कटारी है रे ये कटारी है रे बड़ी गोरी नारी है रे ये समधिन कुमारी है रे ये कुमारी है रे। अरे नैना कटारी है बड़ गोरी नारी है भैया के सारी है रे नैना कटारी है बड़ गोरी नारी है भैया के सारी है ए, 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 बड़ मोटियारी है रे अभिल कुंवारी है ना बड़ मोटियारी है रे अभिल कुंवारी है ना बड़ा रंग रेला है संदी अकेला है दीदी के तेवर है रे ओहो बड़ा रंग रेला है संदी अकेला है दीदी बड़ा गोरा नारा है या अभिल कुमारा है या बड़ा गोरा नारा है या अभिल कुमारा है या नैना कटारी है बड़ गोरी नारी है भैया के सारी है रे नैना कटारी है बड़ गोरी नारी है भैया के सारी है हे 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 बड़ मोटियारी है रे अभिल कुमारी है ना अरे जा जा बड़ मोटियारी है रे अभिल कुमारी है ना ला 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 ये तो रही संगवारी हो गीत संगीत कैसे लागिस आप मतलब हमार आज के गीत है बने लागिस वही और आज के हमारे ज्ञान के का बात है। संगवारी हो ये ला आप मन है जरूर बताओ अपन चिट्ठी पत्री के माध्यम ले चिट्ठी पत्री के पता तो आप मतलब पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमारे ईमेल पता घलो है ईमेल पता है programddkraipur@yahoo.com। आप मन हमला पत्र लिखाओ ईमेल कराओ आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही तब तक बर जय जोहार।